आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का 84वां जन्म जयंती समारोह तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के मुख्य आतिथ्य में रणजीत नगर स्थित कार्यालय पर मनाया गया, जहां उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। आज हमारे राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसानों के नेता चौधरी अजीत सिंह जी का जयंती दिन है। मैं इस मौके पर उनको स्मरण करना चाहूँगा कि एज ए केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था, मार्ग दिखाया था किसानों के कल्याण के लिए, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसकी समृद्धि के लिए, उस पर चलते हुए उन्होंने काफ़ी काम किए और जब केंद्र में रहते हुए काफ़ी उसके लिए आवाज़ उठाई। आज हमारे लिए बड़ी गौरव का दिन है। उस जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। इसलिए उस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जो योगदान दिया एज ए केंद्रीय मंत्री रहते हुए, उस योगदान को याद करते हुए हम सब मिलकर के भरतपुर में, प्रदेश में किसानों की खुशहाली, ग्रामीण, गरीब,